अगर दुनिया के बारे में देखा जाए, माशरे के बारे में देखा जाए, सोचा जाए, तो बिल्कुल कुरान हदीस के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी। हमारी नमाज का वक्त हो जाता है, हमारी दुकान बाजार उसी तरह जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह चल रहे हैं, जिस तरह के अल्लाह के अंदर महबूबान मुझे कुरान हदीस के अंदर फरमाया एक बुरे कामों से रोकती है दिमाग की तरफ। आज क्यों हमारे माशरे में गुनाह बढ़ता जा रहा है, हर गलत काम तेजी से इस तरह तेजी से फैल रहा है जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, इस तरह हमारे मुल्क में हमारे माशरे में गुनाह भी इस तरह फैल रहा है। उसकी वजह क्या है? कुरान हदीस से बहुत दूर चले गए हैं। हमारा जो टारगेट था, हमारा जो मकसद था, हम उसको भूल कर कहीं और भटक गए, अपने रास्ते से अपने राय जहाज से भटक गए। जिस मंजिल पे हमको जाना था हमने वो मंजिल का रास्ता ही छोड़ दिया। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों का आमल में या शिर्क में ऐसा कौन सा अमल है जिससे इंसान डायरेक्ट मन से पारक हो जाता है? हमने उन काफिर में फर्क किया है। उसने सवाल ये किया कि हम मुसलमान हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कलमा पढ़ा है, हम इसकी इताअत कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें इस कलमे को पढ़ने के बाद सबक ये हासिल हुआ है कि हमने नमाज पांचों वक्त नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ज़कात हज अपनी इस्तेआत के मुताबिक हमने अदा करने हैं, करने हैं हमने। तो काफिर में हमने फर्क क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान और काफिर के दरमियान शिर्क कुफ्र करने वाली जो चीज है, इस्लाम से खारिज करने वाली जो चीज है, वो सिर्फ नमाज है। मुसलमान नमाज पढ़ता है और काफिर नमाज से दूर भागता है। उसको इससे कांटे चुभते हैं, जब वो इसकी तरफ चलता है उसे परेशानी होती है, जब इसकी तरफ सोचता है गुमान करता है उसको तकलीफ होती है, इसलिए वो इससे दूर भाग जाता है। अब देखें हम मुसलमान ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद हमारा मकसद क्या है? हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की क्योंकि ये दीन बआसानी हमारे पास पहुंच आया था, इसमें हमने कोई मशक्कत ही नहीं की, मेहनत भी नहीं की, हमें कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, इसमें ये हम तक कैसे पहुंचा हमें नहीं पता। हम जब पैदा हुए हमारे दादा परदादा हमारी नस्लों में हमारे मोहल्ले में गांव में शहर में कुदरत में ये दीन जारी था, हमने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया थे, करने को मान लिया नहीं, हमने कलमा तो पढ़ा लेकिन उसके पीछे नहीं चले। कलमा हम तक कैसे पहुंचा हमने ये जानकारी कभी नहीं दी, क्यों नहीं दी? हमारे दिल की तमन्ना नहीं थी। आज हम जब बुराई की तरफ जाते हैं बड़ी खुशी से जाते हैं, रात जाते वक्त एक दो दोस्तों को भी साथ लेकर ही जाते हैं, अकेले नहीं जाते। जब मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाते हैं अल्लाह की कसम उठा देते हैं, तो अगर किसी को कह दो गलती से कि भाई नमाज का वक्त हो गया चले मस्जिद में चलते हैं, भाई साहब जो आप देंगे मेरे प्यारे भाई जी मेरे कपड़े दे नमाज दें, या मैं थोड़ा बिजी हूँ मैं आता हूँ, तो अल्लाह के बंदे अगर जिस रात ने मुझे पैदा किया था वो रात उसी वक्त चाहे तेरी सांस को ले ले फिर तू क्या करेगा, फिर तू कैसे माफी मांगेगा? अल्लाह की कसम अपने बेहतर कुरान मजीद में फरमाते हैं कुल लिल्लाहि का फरमाओ कि मौत हर वक्त किसी जगह पर कोई जगह वक्त मुकर्रर नहीं कहीं भी आ सकती है, चाहे कोई छोटा है बड़ा है जवान है बूढ़ा है
औरत है, मर्द है, जो भी है, कहीं भी आप देखती है वो बात नहीं देखती। हमने क्या तैयारी की है? आज हम अगर देखें हमने तैयारी क्या की है मरने के लिए, हमने तैयारी की है नहीं, क्यों नहीं की, इसका भी हमें इलम नहीं। हम आपकी दुनिया के पीछे जो जा रहे हैं, हमारा मकसद इस वक्त हमारी वो डिग्री है जिसकी वजह से हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, वकालत करनी है, हमारे सामने वो हमारी डिग्री है, हमें यह नहीं नजर आ रहा। जब कल मौत आ जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगी, सुन नहीं सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे, जब कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे, फिर क्या अल्लाह के सामने जवाब देंगे? ये कभी हमने अगर सोचा हो तो फिर इंसान कभी गुनाह कर ही नहीं सकता। अगर उसके दिल में ये तमन्ना हो कि मैंने मरना है, मरने के बाद मैंने किसी को जवाब देना है, आज देखें, आज अपनी दुनिया के मुताबिक देखें, अगर किसी मालिक के आगे मिलाजिम है, अगर वो मालिक मिलाजिम को किसी काम के लिए भेज देता है, वो जो मिलाजिम है वो इस काम का अगर पूरा हिसाब किताब नहीं देगा, उससे कोई कमी कोताही हो जाएगी, थोड़ी सी वो परेशान रहता है, डरता रहता है, मालिक क्या कहेगा पता नहीं। और अल्लाह के बंदो, दुनिया के मालिक से हम इसलिए डरते हैं कि हमारी रूह काम जाती है, जिसने हमें पैदा किया है उसका हमें इतना दर्द डर नहीं कि हम तो जो दुनिया के मालिक है वो तो कम से कम डाल देगा, अपनी फैमिली से निकाल देगा, उस मुलाजिम से निकाल देगा, लेकिन जिस तरह से पैदा किया है और अब ना फैक्ट्री से निकालेगा ना मुलाजमत से निकालेगा, वो शरत से भी ज़्यादा करीब है। हमारी जो देखें गर्दन और मुँह के बराबर नहीं, सर में कितना फर्क है, और अब इससे भी नजदीक है किस वक्त और कहाँ किस तरह की मौत आ जानी है, इसका इल्म ही नहीं। इसीलिए अल्लाह के अर्ज़ से हमें कुरान और सुन्नत के बराबर सब कुछ बता दिया, हमारी जिंदगी का गुजर बसर सब कुछ बता दे, सारा कुरान में है। अगर हम कुरान का मुताला करें, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सोचे, तो फिर हमें कुरान का मुताला करना चाहिए। हमें अगर अपनी जिंदगी से हमारे कलाम सुल्तान अजमाही जैसे बनानी हो तो फिर हदीस मुबारक का मुताला करें। हदीस मुबारक का मुताला करने के बाद हमें यह हल होगा कि सहाबा इकराम ने इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, अपना माल दौलत बीवी बच्चे सब कुछ कुर्बान कर दिए, कभी फिक्र नहीं की, कभी पीछे नहीं वापस चले, कभी पीछे नहीं देखा कि मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरा माल मेरी दौलत पीछे है, मैं आगे जा रहा हूँ, किसके लिए वो आ गया, किसके लिए हमने अपने जिस्मों को लोग लुहान कर दिया, जंगे बदर में अहद में किस तरह अपने जिस्मों को कटवा दिया, कुर्बान जाए हाजिर होता है देखा सुना रहा हमको, कैसे कैसे सहाबा थे आपने जिस्म पर छली तो करवा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कभी आँख को नहीं आने दिया, कभी इस पर किसी को उंगली उठाने की हिम्मत काबिल नहीं हुई। आज हमारे इस वक्त में माशरे में देखा जाए, मुल्क में देखा जाए, हमारे दीन को क्या क्या कहा जाता है, हमें कभी हमें तो अपने कारोबार से मतलब है। लाहौर में एक ऐसा बिजनेसमैन था कि जिसकी फैक्ट्री में उसके पार्टनर कोई ईसाई यहूदी था, उसको नहीं डर था, तो जब उसको किसी ने बताया कि तुम मुसलमान हो तुम्हारा पार्टनर ईसाई है, तो उसने जवाब में कहा मेरा ईसाई जो है पार्टनर हमारा ईसाई है, तो मैं तो मुसलमान हूँ। अभी उसको यह फिक्र नहीं हुई कि मैं जिससे कारोबार कर रहा हूँ, जिससे सौदे पार्टी कर रहा हूँ, वो मुसलमान ही नहीं। अल्लाह के अज़ल ने हमें तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने के बाद जो हमें सिखलाया था वो जो कुरान था, कुरान का मुताया था, उसके बाद हमें पता चल रहा था किससे किसके साथ मिलकर बिजनेस करना है, किसके साथ मिलकर बातचीत करनी है, किससे सलाम लेना है, किससे नहीं लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है कि जब तुम्हें रास्ते में कहीं भी सारा मिल जाए तो सलाम में पहल ना करो, सही बुखारी की रही सब उसने की रही दोनों में मौजूद है कि जब तुम्हें रास्ते में कहीं भी यहूदी ईसाई मिले
नाम में करे ना करे, अब उस शब्द ने अपना पार्टनर ईसाई रखा हुआ। अल्लाह की कसम आज जो मेरा हमारा माशा इस बर्बादी की तरफ जा रहा है, सिर्फ एक ही वजह है कि हम कभी कुरान की तरफ कदम बढ़ाने की सोचते नहीं थे कि हम जाए कुरान का मुताला करें, कुरान का तर्जमा पढ़े, हदीसे मुबारक का मुताला करें, अपनी जिंदगी और उससे बदले हदीसे मुबारक के साथ करें, कुरान की जो हमें बताई है कुरान के के मुताबिक हम अपनी जिंदगी और उससे बदले करें। अगर ये इंसान सोचे ये इंसान की जिंदगी जो है वो कुरान हदीस के मुताबिक तो जरूरी है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी पूरा शब्द आया ऐसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से ने बिना बूढ़ा हूँ, 80 साल की उम्र है, चल भी नहीं सकता, अब चलते वक्त हाथ भी छड़ी की जरूरत है, रास्ता बड़ा नुकसान है, अगर आप मुझे इजाजत दे मैं बजे मगर शाह की नमाज करके अदा कर देता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ बंदे क्या तेरे कानों में क्या तेरे कानों में हय्या अलस्सलाह की आवाज पड़ती है? तो उसने जवाब दिया अल्लाह के रसूल जी हाँ अल्लाह के रसूल पड़ती है कानों में हय्या अलस्सलाह की आवाज पड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे भी आओ मस्जिद में आना पड़ेगा, आज हम अगर देखें हमारे काम में दिन में 5 मरतबा हय्या अलस्सलाह की आवाज पड़ती है, ये किसकी आवाज है? आओ तभी आगे की तरफ आओ नमाज की तरफ, हमें नजान बुला रही है नमाज और कामयाबी, हम तो आगे जा रहे हैं, कामयाबी हमारी क्या है? हमें इसका इल्म होना है कि हमारी कामयाबी क्या है, तो हम कभी हय्या अलस्सलाह और हय्या अलस्सलाह की आवाज़ सुनने के बाद कभी ना भागे, मस्जिद के पास से गुजर रहे होंगे, मस्जिद में अजान हो रही होगी, नमाज खड़ी होगी, लेकिन चले जाएंगे कोई नहीं थोड़ी देर ठहर के पढ़ने के बाद, और अल्लाह के बंदे अगर मौत आ जाए उसकी तरफ तो फिर क्या करेगा? रब इतना नजदीक है कि किसी वक्त भी इंसान को कहीं भी वो पकड़ सकता है, मार सकता है, फोर्स कर सकता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ा तुल मौत, इसका एक ही मकसद है कि मैं शायद से करीब हूँ, किसी वक्त मैं मौत दे सकता हूँ, बरहक है मौत हर जानदार परिंदे पर, सांस लेने वाली हर एक चीज पर, हमारा वक्त हमारे पैदा होने से पहले मुकर्रर हो गया था, हम अभी पैदा नहीं हुए थे, हमारा मरने का वक्त खाने का वक्त पीने का वक्त मुकर्रर था। इंसान अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ता है तो वो पीछे जब देखता है मैं कहाँ था, कहाँ चला आया, कैसे आया, अल्लाह के बंदे जब हम आगे बढ़ते हैं ये कभी सोचा है कि अल्लाह ने यह मेरे मंदिर में यह हिम्मत में देखा हुआ था ताकि मैं वहाँ पर जिस जगह पर जगह पर पहुँचा जो कहाँ पर पहुँचा अल्लाह ने ऐसे ही देखा था। अगर कोई गरीब है तो वो अपनी गरीबी पर तंगदस्ती ना करे क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके मुकद्दर में जैसा लिखा था वो कैसे ही मिलना है, ना उससे बढ़कर ना उससे कम। आज हम अगर माल नहीं है दौलत नहीं है किसी मालदार को दे तरस जाते हैं उसके पास इतना पैसा है माल है दौलत है और अल्लाह के बंदो ये पैसा ये माल ये दौलत सब दुनिया के लिए है, सब दुनिया के काम में है, जब ये दुनिया खत्म हो जाती है इंसान ने इस दुनिया से रुख्सत हो जाता है इस माल ने दौलत ने यहीं पर रहना है साथ नहीं जाना। अगर कोई बंदा खरबों पति है उसके पास माल दौलत इतनी है जिससे महंगी नहीं जाती, अगर वो बोझ हो जाए क्या उसकी माल दौलत उसको काम आ सकती है? ये माल दौलत सिर्फ दुनिया के लिए है, हमने इस माल दौलत के लिए अपने रायदाद को छोड़ दिया, अपनी आदत को छोड़ दिया, अपने आदत को बिल्कुल भी भूल गए कि हमने क्या करना है उसके बाद जवाब क्या देना है। जब मर जाना है चाहे वो भी छोटा है बड़ा है जैसा भी है बूढ़ा है जवान है जैसा भी है, कब्र में जाने के बाद जब तीन सवाल हो गया
कि इन सवालों के जवाब जो सही देगा वही तो सही जन्नत में जाने का हकदार होगा और अजादी इलाज से बच सकेगा। और अजादी इलाज से बचने के लिए हमें करना क्या है? कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई बाहर का किसी की तरफ जाना ही नहीं, किसी के पीछे नहीं जाना, ना इतना चलना है ना भागना है, सिर्फ आपको दिन में 5 वक्त नमाज अदा करनी है, सिर्फ खुलूस के लिए से, आमाल के लिए से, कि ये जो अमल मैं कर रहा इससे मेरा अल्लाह राजी होगा। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक सही बुखारी की पहली हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक आमालों के दारोमदार ये तो फर्ज है, जिस इंसान ने जिस चीज के लिए की उसके लिए बनी है। अब देखिए एक इंसान गाड़ी में अगर नमाज की नियत करके निकलता है कि मैंने आज मस्जिद में जाना है, अजान हो गई है, नमाज पढ़नी है, तो वो शख्स उसी रास्ते में उससे मौत आ जाएगी, तो इंसान की वो नमाज लिखी जाएगी, इस इंसान ने यह नमाज पढ़ ली थी और नमाज के लिए भी आज उसके उस नमाज का नमाज उस शख्स को मिलना है, क्योंकि उसकी नीयत नमाज पढ़ना थी और अल्लाह को राजी करना। अरे शख्स घर से निकला है कोई बुराई का काम करना, अब उसको जो भी ले ले, जो भी बुरा काम है उसको ले ले, वो बुराई करने चला घर से, उस नीयत से निकला है कि मैंने अब फलां काम करना है, बुरा काम, अगर उसको मौत आ जाए काम में, अल्लाह ना करे उसे मौत आ जाए उस बुरे काम में, कल के आमद के दिन उसी हालत में अल्लाह ने अपनी हजरत के सामने पेश किया जाए, फिर क्या जवाब देगा, क्या कहेगा अल्लाह के? अल्लाह मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, जिस हाल में मरेगा उसी हाल में पाया जाएगा, फिर सवाल जवाब होगा, फिर क्या जवाब देगा? मेरे मोहतरम नजीर को हर दुनिया पर ही मुतरता है, दुनिया का पता ही नहीं चलता, यहाँ से वहाँ जाने का पता नहीं चलता। अब देखें कोई 50 साल की उम्र को पहुंच चुका है, कोई 60 साल की उम्र को पहुंच चुका है, कभी ये ध्यान किया है मैं 1 साल का था 60 साल का हूँ, ये उम्र कैसे गुजर गई, पिछली उम्र जो मैंने गुजारी कैसे गुजारी, किस तरह गुजारी, दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारी है या दुनिया के मुताबिक गुजार के रहा है, कभी ये ख्याल हमारे दिल में आता नहीं। अल्लाह की कसम यहाँ तक बहुत खुशी हुई, मैं इसी प्यार रोड के अंदर मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ाने गया, वहाँ अजान भी होती और अब देख कर 10-25 मिनट तक मस्जिद में सिर्फ एक पावर, उनके अलावा कोई भी नहीं था, क्यों? हमारी सिर्फ एक ही वजह है, नमाज से हम भूल रहे, हमें कुरान में उनका पता ही नहीं कि हमने पढ़ना है, रब के सामने हाजिर होना है, कब्र में 3 सवालों के जवाब हमने देने हैं, अगर ये हमको गलत हो समझना हो इन 3 सवालों का जवाब हो तो फिर कभी ऐसा नहीं हो सकता, हमारी 5 नमाजों में से कोई एक नमाज रह जाए दिन के अंदर, ये कभी नहीं हो सकता, हम अपने सारे काम भूल जाएंगे अगर ये हमारे दिल के अंदर जाग हो ना कि हमने रब को कल जवाब देना है, तो फिर हम कभी इन 5 नमाजों को छोड़ ही नहीं सकते। अब रमजान का महीना आ रहा है, वो तो खुद देखेंगे आप, हमारे नौजवान सड़कों पर सबके सामने, दुकानों में बैठकर सबके सामने, जिनको हर एक किस्म की चीज खाएंगे पिएंगे कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह के बच्चों क्या मरना नहीं, रब के सामने हाजिर नहीं होना, हमने दुनिया पानी से रुख्सत नहीं होना, क्या हम उसी वक्त जब हम ये काम कर रहे हैं सौदा इफ्तार कर रहे हैं दिन के वक्त, तो अल्लाह ने अगर हमारे बहुत उस वक्त हम पर मुकर्रर कर तो हम क्या करेंगे, कल अल्लाह को क्या जवाब देंगे, कौन सी मजबूरी थी मेरी रोजा खाने की, मैं रोजा खा रहा था, कौन सी ऐसी मुसीबत थी, कल कोई जवाब नहीं होगा, कोई उजर नहीं चलेगा, आज हम यहाँ इस दुनिया में उजर भी किसी के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन जिसने हमें पैदा किया है उसने कुरान में फरमाया कि कल क़यामत के दिन कोई उजर पेश नहीं किया जाएगा, कोई उजर काबिल कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे वो जैसा भी हो, किसी बच्चे का हो, जवान का हो, बूढ़े का हो, कैसा भी हो, वो नहीं माना जाएगा,
उसे कोई काबिल कबूल नहीं होगा। आज हम क्यों अपने मुसर बनाकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आज हमारी जिंदगी का एक घंटा हमारी जिंदगी से जा रहा है। अभी ये आधा घंटा पौना घंटा जुम्मा खत्म होने के बाद ही हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। ये जुम्मा हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। ये जो दिन आज है, ये जो तारीख आज है, ये जो घंटा आज चल रहा है, ये टाइम वापस आ सकता है, लेकिन ये तारीख वापस नहीं आ सकती, ये महीना वापस नहीं आ सकता, ये साल कभी वापस नहीं आ सकता। ये हमारी जिंदगी से रुखसत हो जाएगा। ये पीछे 2021 हमारी जिंदगी से चली गई। क्या किया है हमने 2021? कुछ नहीं किया। गुनाह का हर काम तेजी के साथ दौड़ कर बार कर किया है, लेकिन कभी मस्जिद की तरफ हम चल कर नहीं आए। क्यों नहीं आए? कभी कुरान का मुताला नहीं किया, हदीस के पीछे आए नहीं, दीन को जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये दीन जो दीन हम तक पहुंचा है कैसे पहुंचा है, इसमें किसी ने मुशक्कत की है, किसी ने मेहनत की है? अगर ये हमने जानने की कोशिश की हो तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये नमाजें छोड़ दें, क्या हम फिर उसको जानने के बाद भी कुरान हदीस का मुताला ना करें? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान सारे का सारा कुरान हमारी जिंदगी के मुताबिक हमारे ऊपर उतारा हुआ। हमें कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए ही पैदा किया था। हमने तो आज के मॉडर्न दौर में इस दुनिया के मुताबिक गुजारना शुरू कर दी है। उसकी वजह क्या है? अब देखें, सबसे पहले हम नमाज जब पढ़ते हैं, नमाज में हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाह अकबर, किसे कह रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो बहुत बड़ा है। जब हम अल्लाह को ये कह रहे हैं तो बहुत बड़ा है, तो वो कितना खुश होगा? हम आज जिसको बताते हैं मालूम को कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, वो कितना खुश होता है? जब हम अपने रब को कहेंगे जिसने पैदा किया है, जब उसको कहेंगे वो कितना खुश होगा? फिर उसके बाद سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، یہ پڑھتے ہیں تو پھر اس میں ہم رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اللہ اس کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی تعریف، اللہ تو مہربان ہے، رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے الحمدللہ رب العالمین، آج کا جمعہ تو ہمارا صرف اس سورت فاتحہ کے وقت تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اب ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہمیں موقع ملا ہوا ہے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، کیوں ہم اس کو بحث کر رہے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے وہ چھوڑ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام قائمیں اللہ کے ہیں جو تمام کائنات کا مالک ہے، وہ کتنا خوش ہوگا جب ہم اس کی تعریف کریں گے۔ اب یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، اگر انسان اس کے پیچھے لگا رہے یہ کبھی اس کی تعریف ہو رہا ہے، تشریح جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کی تشریح کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، تو بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح مال کی اور کسی کیا کرنا خود وہیا کرنا چاہیے اس دن صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اس کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ہم لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب ہم نے یہ دعا کس سے مانگی ہے؟ اللہ رب کے حضرت سے مانگی ہے۔ یہ دعا اگر ہم کرتے ہیں نماز، کیوں پھر اس کے بعد بھی ہم سے نماز سے ہماری ضروری ہے؟ نماز پانچ وقت انسان ہے نماز پڑھے، پانچ وقت نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھے، کیا پھر بھی اس سے اللہ ناراض رہ سکتا ہے؟ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کو راضی کروں،
इसमें ये मकसद नहीं कि ये दुनिया वाले मुझे देख कर कहीं यार बड़ा जमाती है और जो वक्त मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता है ताने भी चल जाते हैं ऐसी नमाज ऐसा रोजा ऐसा जिक्र ऐसा हाज ऐसा फितराना कोई भी ऐसा काम अमली काम हो जिसमें रियाकारी हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा अमाल जो हो जिसमें रियाकारी हो कल क़यामत के दिन एक गुदगुदार कपड़े के अंदर लपेट कर उस शख्स के मुंह पर फेंका जाएगा जिसने वो इस शख्सियत किया था कि लोग मुझे देखकर मेरे गले गले करें इस दुनिया में दुनिया में तो हमारे बल्ले बल्ले बन जाएंगे हमारी बाहर तो बन जाएगी लेकिन कल क़यामत के दिन ना बाहर होगी ना कुछ होगा वो सारे का सारा अमाल इस दुनिया से हमारे साथ ही वो चला जाएगा खत्म हो जाएगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे वो अमाल ही हमारे साथ खत्म हो जाएगा दुनिया वालों ने कहना है वो बड़ा नेक था वो बड़ा अमल करने वाला था लेकिन अल्लाह के यहाँ उस अमल की कोई पहचान नहीं है अल्लाह ने कहा उस अमल को कोई किसी हिसाब किताब में नहीं रखना कभी भी इंसान कोई भी चीज़ खर्च करता है उसके पीछे एक ही नियत होनी चाहिए कि मैं जो अमल कर रहा हूँ उसमें मेरा रब मुझसे राजी हो जाए नमाज पढ़ रहा हूँ मेरा रब मुझसे राजी हो जाए रोजा मैंने आज रखा है इस वजह से इसमें मैं कुरान की तिलावत करूंगा पांच नमाजें पढ़ूंगा और गुनाह से पाक रखूंगा अपनी आंख को गुनाह से पाक रखूंगा बेहियाई से पाक रखूंगा इस वजह से मैंने रोजा रखा है तो अल्लाह की कसम से रहता है इंसान उसकी सारी जिंदगी के गुनाह जितने उसके पीछे गुनाह किए हैं अल्लाह का देते उस इंसान के उस शख्स के गुनाह को मिटा देते हैं इस तरह मिटाते हैं जिस तरह इंसान कपड़े सड़क से धुलने के बाद साफ हो जाते हैं इस तरह इंसान के वो गुनाह एक रोजे की वजह से रोजा रखने की वजह से नीयत क्या है कि मेरा रब मुझसे राजी हो और बेहयाई से अपनी आँख को पाक रखे बुरे काम बात सुनने से अपने कान को पाक रखे अपने कामों को अच्छे काम की तरफ यानी नमाज की तरफ लेकर चले बुराई की तरफ न जाए किसी गरीब किसी मिस्कीन पर हाथ न उठाए तो अल्लाह उसके सारी जिंदगी के नाम को मिटा देते हैं खत्म कर देते हैं उसकी जिंदगी जिस तरह बचपन से शुरू हुई इस तरह से शुरू हो जाती है उसका क्यों हम हमारे इंसान के महीने से दूर जाते हैं क्यों इस हमारे इंसान के महीने के अंदर दिल को हम रोजा क्यों विस्तार कर देते हैं सुबह माँ बाप के सामने तो सही खा रही है माँ बाप को दिखाने के लिए कि हमने रोजा रखना है हमने रोजा रखना है दिन को जब दोस्तों के साथ अपनी महफिल में बैठे दोस्तों को देखकर याचना करते थे दिल की आज सुबह क्यों दिल में ये तमन्ना ही नहीं कि मैंने रोजा रखना है अगर दिल की ये ख्वाहिश हो कि मैंने ये रोजा रखा है सिर्फ रात के लिए अल्लाह की कसम चाहे दोस्त ना जो भी इंसान आपको मिले कभी इंसान रोजा नहीं अपने छोड़ सकता है अल्लाह के लिए अपने ये जो माए रमजान में आने वाला सिर्फ नौजवानों से ये बात है माए रमजान के जो इबादत होती है ना रात को बेहद पसंद होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया रात को अकेले इबादत करने का हम अकेले में तो क्या कभी किसी के साथ खड़े होकर इबादत करना पसंद ही नहीं करते रब के सामने सजदा करने के लिए तैयार ही नहीं होते अकेले में क्या करते रब ने जो रात की इबादत है अकेले में जब सब सोए हुए हो उस वक्त जो इबादत की जाती है उसने जो भी मांगेगा अल्लाह हम देते हैं खुद कहा है जब तन्हाई में मेरा बंदा मुझे जब भी मुझसे कोई चीज़ मांगे मैं उसको अता करूँगा रब आज के जमीन के ऊपर होते हैं उस वक्त अल्लाह हमारी बातों को सुनने के लिए हमारे लिए होते हैं वो उसके लिए होते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह की सहियत नहीं चाहिए क्यों नहीं हम रात को रोजा रात को हमें अगर कोई ऐसा काम हो रहा है मूवी देखनी हो ना सिंपल सी हमारे मुआशरे की बात है अगर हमें कोई ऐसा उल्टा काम करना हो मूवी देखनी हो हम पूरी रात जागेंगे क्रिकेट हो मैच हो देखना हो पूरी रात हम अपनी उसके लिए वक्त कर देंगे लेकिन हमें कभी यह भी याद नहीं आया कि आज की रात मेरी जिंदगी का आखिरी शहर दिन है मैं आज अपने रब के सामने रजू कर लेता हूँ माफ़ी अपने गुनाहों की मांग लेता हूँ कौन सा इंसान गुनाहगार नहीं है मेरे समेत सारे सारे दुनिया में जितने भी रहने वाले इंसान हैं चाहे वो कोई शक्ल से बली फकीर क्यों नहीं लगता गुनाहगार है हर एक इंसान गुनाहगार है जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है वो हर एक गुनाहगार है हर एक गुनाहगार है हर एक को माफ़ी की कलम है माफ़ी की ज़रूरत है माफ़ी मांगने के फिर कोई ऐसा ना सोचे
कि कल क़यामत के दिन रब का रब के अर्श का साया नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कल क़यामत के दिन जबकि इन सवाल अल्लाह के फरिश्तों ने करने नंबर रब को का तेरा रब कौन है, जब किसी फरिश्ते ने यह पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? क्या हमने कभी इसके बारे में रब के जो दिया हुआ कुरान का, हमें जो दिया हुआ दीन का, हम तक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पहुंचाया था, हमने कभी उस पर अमल किया होगा ना? फिर हम इसका जवाब देंगे हमारे रब का मेरा रब कौन है? अल्लाह के वजह के सामने जबान को ताला लगा हुआ वही शख्स बोलेगा जिसने अमल किया है, जिसने वो काम किया है जिसका रब ने हुक्म दिया है, जिस शख्स ने उस पर अमल किया होगा वही जवाब देगा। उसके अलावा जिस इंसान ने अपनी जिंदगी अपने मुताबिक अपने ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारी है ना, उसकी ख्वाहिशात वहाँ खत्म हो जाएगी जहाँ पर उसने फौत होना, जहाँ पर मरना है, जहाँ पर उसकी जिंदगी ने खत्म हो जाना है, कहीं उसकी ख्वाहिशात भी रह जाएगी। फिर उसके बाद वो ख्वाहिशें, वो डिग्रियाँ, वो इंजीनियर कोई चीज काम नहीं आई, एक ही चीज काम आई है नमाज रोजा। अगर किया होगा जिस इंसान ने इस पे अमल किया है, मतलब होगा तेरा रब कौन है, अगर अमल किया है ना तो कहेगा अल्लाह रब्बी इसके लिए, तो जिस तरह कायदे का गुजारी कायदे का पहला लफ्ज है ना अली, इसी तरह उस शख्स के लिए मेरा रब जितना एहसान होगा ओके मेरा रब अल्लाह है। अब दूसरा सवाल होगा मन नबी का मेरा नबी कौन है? अब जिसने नबी की बदलाई हुई है फिर ये पर जिंदगी गुजारी है जो आपको वही शख्स देगा जिसने कुरान में दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, फिर दीन को सुनने के बाद उस पर अमल किया है, नमाज पढ़ता रहा है, जिकात अपनी इस्तेआत के मुताबिक अदा की है, हज इस्तेआत के मुताबिक किया है, उमरा किया है इस्तेआत के मुताबिक, उसी शख्स को जवाब आएगा मन नबी का मेरा नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आखिरी सवाल ना दीन का, तेरा दीन कौन सा है, तू किस दीन में रहकर आया है? अगर एक इंसान ने कभी इस दीन को अपने सीने से नहीं लगाया, अपने सीने से दीन को नहीं लगाया, शेर को बिटन को सीने से चुपटाए चुपटाए फिरता रहा है सारी जिंदगी, अपनी चार साल की जिंदगी सिर्फ इस पर गुजार कर रहा, वो क्या जवाब देगा? जिसने अमल किया होगा वो आसान से रकम नहीं करेगा। अल इस्लाम जी कितना आसान सा सवाल है। अब देखें तीनों तो आज इस दुनिया में हम कहते हैं, मैं आपकी बात आपको बताऊँ अल्लाह की कसम जब इलम नहीं था, जो नहीं कह रहा जब इलम नहीं था, एक दफा मस्जिद में जुम्मा सुन रहा था कायद साहब ने यह कहा, मैंने अपने दिल में कहा कोई बात नहीं मैं आसान से सवाल है जवाब दे दूंगा, जब इस चीज़ को पढ़ा अल्लाह की कसम जो काम गई कल अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि तुझे चार साल की जिंदगी दी थी कहाँ गुजार कर आया है, किस तरह गुजारी है, किस काम में गुजारी है, तो क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं बना। अल्लाह की कसम यह सवाल जितने ही देखने में आसान है इस दुनिया में आसान है, लेकिन आखिरत में नहीं, जब आखिरत में ये होते हैं जबान को ताला लग जाना है, जबान में बोलना नहीं, बोलना उसी शख्स में है जिसने अमल किया है। अल्लाह ने अपने अंदर से दुआ है कि जो सुना सुनाया अल्लाह ने मुझे इतराफ अल्लाह को अमल की तौफीक अता फरमाई, तो इसकी किल्लत की वजह से कुछ भी बयान नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम बयान करने के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत दिल दुखा हुआ है, हर एक बुराई का काम देख देख कर दिल फट गया है। ये कल की बात है, मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, रास्ते में सफर में आते वक्त दो छोटे छोटे पाँच साल की उम्र नहीं क्यों बच गई, अल्लाह की कसम मैंने वो अपनी आंखों से नशा करते हुए सिगरेट पीते हुए देखा। क्यों हमारे माँ बाप हमको यह नहीं सिखलाते क्या नशा करना ये कितनी बुरी बात है, हम नशा क्यों करते, क्यों ये हमारे माशरे के बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, गुनाह की तरफ जा रहे हैं? कुरान मजीद का जो हमसे ना कलर बिल्कुल खत्म हो गया है, खुदा के लिए अपने बच्चों को कुरान मजीद का मुताला करवाएं, आने वाला वक्त जो है बहुत सख्त है, कुफ्र शिर्क का बना हुआ है, कुफ्र शिर्क से इस तरह बना हुआ है जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था, जिस तरह उस वक्त था इसी तरह शिर्क को कुफ्र है। इसलिए
इसलिए अपनी औलादों को बचाए, क्योंकि जब औलाद एक बार गुनाह की भूमि पर कदम डाल लेगी तो सारी उम्र उस जिंदगी पे उसी सीढ़ी पर वो अपना चढ़ता जाएगा इसी पे वो मतलब हो जाएगा, कभी उसने वापस नहीं पलट कर देना। इसलिए इनकी औलाद जो होती है, हमें औलाद की तरबियत सिर्फ कुरान और हदीस के मुताबिक अगर करेंगे फिर हमारी औलादें सही कल हमारे निजात का जरिया बनेगी। कल अगर मेरी औलाद रब के सामने गिरे, ऐ अल्लाह कभी बाप ने मुझे बताया नहीं था, कभी मुझे इतने राय रात से बुलाया नहीं, खुद नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन कभी मुझे नमाज फजर के लिए नहीं उठाया, मेरी नींद को मुझसे नहीं छीना, तो फिर क्या जवाब देगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, कुरान में भी इरशाद है, वलहादियात जमातुन मुरियात फदाफल मुगीरात सुभा फअल्लाना बिहिना का। अपनी औलादों को सुबह के वक्त अगर 10 साल का बच्चा है, 7 साल की उम्र से बच्चा ऊपर हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से प्यार जो था एक बार प्यार जो था प्यार से नहीं होता तो डांटा क्यों था, डांटा भी नहीं होता फिर मार के होगा, नमाज के लिए नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किसी किस्म का कोई मामला नहीं रखा। इसलिए आपकी औलादों को इस चीज से बचा रहे, वो इसमें मैं भी आपकी औलाद की जगह हूँ, सारे तकरीबन मेरे बाप के उम्र के लोग हैं, कोई मुझसे छोटा नहीं, कोई मेरे बराबर का है, कोई बाप की जगह है। इसलिए हमें इस माशरे ने बहुत बर्बाद कर दिया है, हम जिसको गलती करते गुनाह करते देखते उसके पीछे चलते हैं, कुरान हदीस के पीछे नहीं आते। अल्लाह हम भी उनसे दुआ है जो हक और हक सुना सुनाया, अल्लाह से मुझे फिर आप हम आपको अमल की तौफीक अता फरमाएं, जो गलती बताएगा अल्लाह से मदद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह اللهم صل على